हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो दोस्तों कि आप सब घरों में सही होंगे और कोरोना से थोड़ा बच के रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करें तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरसेप्टर और जीटी कॉन्टिनेंटल के बारे में, कि मतलब जो नए कलर्स आए हैं और क्या क्या फीचर्स ऐड किए गए हैं, सारी चीज़ों के बारे में खुल के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो यार मुझे बड़ी निराशा हुई है जब ये बाइक आई और मैंने कल इसके बारे में जब न्यूज़ देखी, सारा इसके साइट में जाके सर्च मारा तो पता लगा कि भैया सिर्फ कलर्स ही नए आए हैं, यानी न्यू कलर्स तो आए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर आए हैं, लेकिन फीचर्स यानी जो आपका नेविगेशन कहा जा रहा था या टर्न बाई टर्न नेविगेशन कहा जा रहा था, वो चीज़ें मतलब ऐसी कोई भी चीज़ आपका इंटरसेप्टर और जीटी कॉन्टिनेंटल में ऐड नहीं की गई है, तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा कुछ ऐड किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी मैट्योर में वो चीज़ दे रही है, क्लासिक में वो चीज़ दे रही है, हंटर में ध्यान देने वाली है, तो मतलब अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब शायद इसमें भी दी जाएगी। और देखिए हिमालयन, लास्ट जो हिमालयन आई थी उसमें भी ये चीज़ दी गई थी, पता नहीं कंपनी ने इसमें ऐसा क्यों किया कि आपका इंटरसेप्टर में आपका नेविगेशन नहीं दिया, आपका 10x10 नेविगेशन नहीं दिया। उसके पीछे शायद ये रीज़न हो कि कंपनी ये सोच रही हो कि इन फ्यूचर जब लगे कि हाँ इन फ्यूचर जब इसकी सेल थोड़ा और डाउन हो जाएगी तो शायद ऐड करे। मतलब मार्केट में मेरे ख्याल से कंपनी देखना चाहती है कि बिना इस फीचर के हम कितना सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो सब जो भी है, अब मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन जो भी नए कलर आए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, तो पहले इंटरसेप्टर के कलर्स के बारे में बात करते हैं और मैं प्राइस भी आपको एंड में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मार्क टू कलर की। तो यहां पे यार दोस्तों ये क्रोम कलर है, ऑलरेडी ये क्रोम कलर पहले भी आपका इंटरसेप्टर में आता था, लेकिन अब क्या है कि अब नया चेंजेस ये है कि साइड लाइंस दी गई हैं ऑरेंज कलर की, जिससे पता क्या हुआ है कि जो इसका क्रोम कलर है ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले वो सिंपल सा क्रोम लगता था और यहाँ पे अब ये सिंपल क्रोम नहीं लग रहा, ज़्यादा बेटर लग रहा है। उसके बाद दोस्तों दूसरे कलर की बात करें तो वो है सनसेट स्ट्राइप। तो यहाँ पे क्या है, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन किया गया है, जिसको डिवाइड किया गया है गोल्डन लाइन के साथ, जो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है, और वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं, एक पुराना कलर है बेकर एक्सप्रेस, जो पहले भी चलता था और इसकी सेल पहले भी अच्छी थी, दैट्स व्हाई कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू करने नहीं सोचा। तो यहाँ पे वो जो पुराना कलर है वो है वाइट और रेड कलर का, जिसमें आपका वो ये डिवाइड किया गया गोल्डन लाइन से, सेम आपका सनसेट स्ट्राइप में कॉपी किया गया ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन, और पहले ये बेकर एक्सप्रेस में तो आता ही था। उसके बाद दोस्तों बात करें, चौथा कलर है डाउनटाउन ड्रैग, ये नया कलर है और ये जो कलर है मुझे सबसे ज़्यादा मतलब न्यू कलर्स में सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्रोम भी पसंद आया लेकिन डाउनटाउन जो और ये आपका ड्रैग है ये सबसे ज़्यादा पसंद आया है। इसमें क्या आपको मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, फ्रंट में आपको स्लेटी कलर मिलेगा, रियर साइड में यानी बैक साइड में टैंक की बात करूँ तो आपको ब्लैक कलर मिलेगा, यानी स्लेटी और जो ब्लैक कलर है उसको मतलब बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया। और अगेन मैं आपको बताऊँ तो इसको डिवाइड किया गया लेकिन यहाँ पे गोल्डन से नहीं, ग्रीन कलर से डिवाइड किया गया और रॉयल एनफील्ड की बैजिंग दी गई है बीच में, जो काफी ज्यादा आकर्षक लग रही है। उसके बाद बात करते हैं ऑरेंज क्रश की, पहले भी आता था लेकिन ये जो कलर है मतलब अच्छी सेल थी, दैट्स व्हाई इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, तो अच्छी बात है इसको कंटिन्यू रखा है। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो एक और कलर है वेंचर ब्लू, और ये वेंचर ब्लू कलर आपका मेरे हिसाब से पहले आपका जीटी में आता था और जीटी के बाद अब इसको इसमें दे दिया गया, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन डाउनटाउन ड्रैग और क्रोम मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहां पे हाँ, इसमें आपका ब्लू कलर मिलने वाला है आपका वेंचर ब्लू में, जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। फिर उसके बाद आपका एक और कलर है कैनियन रेड कलर, जो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रेड कलर है, सिंपल एक सिंगल टोन कलर दिया गया है ये कलर, मतलब सिंगल टोन कलर ठीक है बढ़िया है, लेकिन उससे बढ़िया ड्यूल टोन कलर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और क्रोम तो मतलब क्या कहूँ, लेकिन क्रोम का क्या होता है कि क्रोम के खर्चे भी अपने बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई लोग क्रोम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो अगर आप लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए आपका डाउनटाउन ड्रैग, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको नए कलर्स में कौन सा कलर ज़्यादा बेटर लगा है। इसके बाद दोस्तों बात करें प्राइस की, मैंने आपको बताया था कि प्राइस भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको सिंगल कलर नजर आ रहा है, यानी आपका ऑरेंज क्रश हो गया, वेंचर ब्लू हो गया, कैनियन रेड हो गया, तो ये आपको 2,59,244 रुपीज का पड़ जाएगा। अब बात करें दोस्तों ड्यूल टोन कलर की, तो ड्यूल टोन कलर जो नए भी आए हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कलर आपको 2,67,370 रुपीज़ का पड़ जाएगा। तो अराउंड राउंड आपका 8,000 का फ़र्क है सिंगल टोन और ड्यूल टोन कलर में, तो मेरे हिसाब से यार ड्यूल टोन कलर ही लेने चाहिए, और जो नया कलर है वो तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अब बात करें क्रोम की, तो क्रोम हर बार की तरह महंगा ही है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कलर है, और कलर मतलब कलर के साथ साथ प्राइस का फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्रोम में जो नया ट्रीटमेंट किया गया वो बहुत
ज़्यादा शानदार है। तो ये आपको पड़ेगा 2,88,898 रुपीज़ का, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन हाँ, जो ट्रीटमेंट है नया वाला जो ऑरेंज के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया क्रोम में, वो बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जीटी कॉन्टिनेंटल की, तो यार जीटी कॉन्टिनेंटल में भी नए कलर आए हैं, लेकिन ज़्यादा नए कलर नहीं आए। तो नए कलर की पहले बात करते हैं, वो है ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन। और देखिए ग्रीन के साथ ना हमेशा ऐसा रहा है कि ग्रीन कलर के साथ ना रॉयल एनफील्ड का काफ़ी ज़्यादा अटूट सा रिश्ता रहा है। आप देख सकते हैं कि क्लासिक ग्रीन कलर की लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन हाँ वही एक प्राइस ज़्यादा होता है, दैट्स वाई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन लोगों को मतलब ग्रीन कलर की जो रॉयल एनफील्ड है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन मिलने वाला है। बेसिकली ये आपका ग्रीन कलर है जिसमें व्हाइट कलर की आपको स्ट्राइप्स दी गई हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक रेसिंग इंस्पायर्ड कलर है, जो मुझे ये लगता है कि हाँ ये कुछ ब्रिटिश लुक भी दे रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पहले अपना वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू के टाइम भी ऐसी कुछ बाइक्स आती थी सेम कलर की, सेम कॉम्बिनेशन से होते थे, तो वहीं कहीं से कॉपी किया गया है इसको। इसके अलावा दूसरा कलर अगर मैं बात करूँ तो वो है डक्स डिलक्स। तो ये नया कलर है डक्स डिलक्स, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक एंड वाइट कह सकते हो। और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में मैं कहूँ तो अब तक का बाइक्स में मैंने सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन देखा है ब्लैक एंड वाइट का, मैं आपसे बात करूँ तो। तीसरा कलर दोस्तों कहेंगे तो वो है वेंचर स्टॉर्म। हाँ जी दोस्तों, ये भी नया कलर है, इसमें स्काई ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो यार इस कलर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ठीक है अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ कोई यूनिक सा नहीं है, ठीक है नॉर्मल सही है, लेकिन हाँ क्वाइट इंप्रेसिव है। इसके अलावा दोस्तों बात करें चौथे कलर की, तो वो है रॉकर रेड। यहाँ पे सिंपल आपका रेड कलर दिया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ना इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं आएगी। मतलब अच्छा कलर है, ऑब्वियसली बात करूँ तो इंग्लैंड वगैरह में मैं कहूँ तो वहाँ पे ये कलर डेफिनेटली चलेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि ये कलर लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पाँचवें नंबर पर मिस्टर क्लीन, जो पहले भी आता था, यानी आपका क्रोम। हाँ जी दोस्तों, क्रोम कलर पहले भी आता था और अभी भी आ रहा है, और इसमें कोई खास चेंजेस मतलब चेंजेस तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं ना, कोई चेंजेस नहीं है कलर में, कोई चेंजेस नहीं किया। जैसे इंटरसेप्टर के साथ कुछ किया गया, वैसा कोई भी ट्रीटमेंट इसमें नहीं दिया गया। तो यार ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, और इसके बारे में तो क्या कहें यार, ये तो पुराना ही कलर है। तो यहाँ पे दोस्तों प्राइस की बात करें तो जो सिंगल टोन है वो आपको 2,75,491 रुपीस का पड़ जाएगा, ड्यूल टोन है वो आपको 2,83,620 रुपीस का पड़ जाएगा, और अगेन लास्ट में मैं क्रोम की बात करूँ तो ये आपको 2,97,134 रुपीस का पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन वही है कि अगर ये बात करें कि ऑन रोड करते करते ये बाइक्स आपको 3.5 लाख के आसपास पड़ जाएंगी, क्रोम हमेशा महंगा रहता है। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें मुझे सबसे बेस्ट कलर कौन सा लगा, तो वो लगा फर्स्ट वाला ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन। हाँ जी दोस्तों, ग्रीन कलर है और वाइट कलर की स्ट्राइप्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि आप कौन सा वाला कलर ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और मान लीजिए आपका बजट नहीं है और आप कोई और बाइक भी लेना चाहते हैं, तो फिर भी बता दीजिए यार कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है इन दोनों बाइक्स में। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो हाँ, निराशा हुई है कि फीचर्स कम दिए गए हैं, कुछ एसेसरीज दी गई हैं लेकिन वो भी कोई यूज़फुल एसेसरीज नहीं है, मतलब कोई खास एसेसरीज नहीं, कोई अलॉयज व्हील वगैरह नहीं दिए गए हैं। जहाँ पर मैं इसकी बात करूँ तो मतलब एसेसरीज भी कोई खास नहीं है, और मतलब कलर ही दिए गए हैं। तो कंपनी को ऐसा करना चाहिए था कि इसमें नेविगेशन देनी चाहिए थी, और साथ ही साथ अलॉयज व्हील का ऑप्शन तो ज़रूर ऐड करना था, मतलब 100% ऐड करना चाहिए था। हाँ कई बार, एक बार टेस्टिंग में भी पाई गई थी कि यहाँ पे आपका अलॉयज व्हील वगैरह आ सकते हैं, तो कई लोगों को लगता था कि शायद अलॉयज व्हील मिलेंगे, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे अंत यानी समाप्त करते हैं। एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिए कि कौन सा कलर आपका अच्छा है, और आपको क्या लगता था, क्या उम्मीदें थी, क्या निराशा हुई है, सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट करना अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।